हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं सर रिव्यू पॉइंट। तो गाइस, आपको मैं बताऊंगा आज पाकिस्तान के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिन्होंने कमाई की हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और उसके नीचे कोई अच्छा सा कमेंट। अगर आपको किसी मूवी की अपडेट या किसी आपको चाहते हैं किसी ट्रेलर का मैं रिव्यू करूँ बॉक्स ऑफिसन, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे जो मूवी है उसका नाम है परे हडलव। 2019 की मूवी है जिसकी स्टार कास्ट में मिले थे शहरयार मुनव्वर, माया अली, जारा नूर अब्बास, मायरा खान, अहमद अली भट्ट, जिसका बजट था 8 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर उसने कमाया था 30 करोड़ रुपए। और नंबर 9 पे हमारे पास दो मूवी है जिसका पहली का नाम है जाना 2016 की मूवी है जिसकी स्टार कास्ट में थे बिलाल अशरफ, अली रहमान खान, अरमीना खान, हानिया मीर, उस्मान मुख्तार, जिसका बजट था 11 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस में कमाए थे 30 करोड़ रुपए। और दूसरी मूवी है जो उसी नंबर 9 पे एक्टर इन ला 2016 की मूवी है, स्टार कास्ट में थे फहद मुस्तफा, ओमपुरी, मेविश याद, जिसका बजट था 10 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस उसने कमाए थे 30 करोड़ रुपए। नंबर 9 पे हमारे पास जो मूवी है उसका नाम है रॉन्ग नंबर 2015 की मूवी है जिसकी स्टार कास्ट में मिले थे दानिश तेमू डबल रोल में, जुवेद शेख, दानिश नवाज, जैनिता असमा, सोही अली आबरू, जिसका बजट था 4 करोड़ रुपये। उसने बॉक्स ऑफिस कमाए थे 30 करोड़ 25 लाख रुपये। नंबर 7 पे हमारे पास जो मूवी है उसका नाम है वार 2013 की मूवी है जिसकी स्टार कास्ट में मिले थे शान शाहिद, बिलाल लश्कारी, हमजा अब्बास, जिसका बजट था 17 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसने किया था 34 करोड़ 65 लाख रुपए का। नंबर 6 पे जो हमारे पास मूवी है उसका नाम है बिन रोए 2015 की मूवी है जिसकी स्टार कास्ट में मिले थे मायरा खान, हुमायूं सईद, अरमीना खान, जुनेद खान, जिसका बजट था 3.5 करोड़ और उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 40 करोड़ 5 लाख रुपये। तो नंबर 5 पे जो हमारे पास मूवी है उसका नाम है परवाज है जुनून, जिसकी स्टार कास्ट में मिले थे हमजा बासी, आदर अजमीर, हानिया मीर, जिसका बजट था 10 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर उसने कमाया था 43 करोड़ 20 लाख रुपए। नंबर 4 पे हमारे पास मूवी है जिसका नाम है जवानी फिर नहीं आने, स्टार कास्ट में थे हुमायूं सईद, वासा चौधरी, अहमद अली भट्ट, हमजा बासी, मेविश याद, जिसका बजट था 8 करोड़ रुपए। उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 49 करोड़ 44 लाख रुपए। तो इस नंबर पर हमारे पास मूवी है जिसका नाम है तीफा इन ट्रबल्स, जिसकी स्टार कास्ट में थे अली जफर, माया अली, जवेद शेख, जिसका बजट था 18 करोड़ 22 लाख रुपए। उसने बॉक्स ऑफिस से कमाया था पूरा 50 करोड़ रुपए। नंबर 2 पे हमारे पास मूवी है जिसका नाम है पंजाब नहीं जाऊंगी, स्टार कास्ट में थे हुमायूं सईद, असफर रहमान, मेविश याद, उर्वा हुसैन, जिसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 51 करोड़ 65 लाख रुपए। आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप सोच लें कि नंबर 1 पे कौन सी मूवी होगी, हमें कमेंट में जाके लिखें। तो नंबर 1 पे मूवी है जिसका नाम है जवानी फिर नहीं यानी 2, जिसकी स्टार कास्ट में मिले थे हुमायूं सईद, वासे चौधरी, फहद मुस्तफा, अहमद अली भट्ट, कुबरा खान, मावरा हुसैन, जिसका बजट था 8 करोड़ रुपए। उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 70 करोड़ रुपए। ये पाकिस्तान की वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। आपको कमेंट करके मैं बताएं आपको क्या लगता है, लंदन नहीं जाऊंगा और कायदे आजम जिंदाबाद, इन दोनों में से कौन सी मूवी जवानी फिर नहीं यानी 2 का कलेक्शन तोड़ सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।